हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम ऐसे तीन फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे जिसको कि हम रोज़ाना अपने डेली रूटीन में और लाइफ में अगर अपने आप से बोलते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होगा। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला फ्रेज़ है आई कैन डू दिस। जी हाँ, आप इस फ्रेज़ को रोज़ाना रिपीट कीजिए अपने दिमाग में और ख़ुद को याद दिलाते रहिए कि कोई भी काम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसको करने से पहले अपने आप से ये फ्रेज़ एक बार बोलिए कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और उसके बाद आप इसके मैजिक को देख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं, कितना आपको डीमोटिवेट करते हैं, कुछ भी चीज़ें इसके आगे मैटर नहीं करती हैं। बस आप अपने आप से कहते रहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। और जब आप कुछ अचीव कर लेंगे ना, तो वही जो आपके रिश्तेदार हैं, जो भी लोग आपको डीमोटिवेट करते थे या डीवैल्यू करते थे, वो सकते में आ जाएंगे कि ये कैसे हो गया। चलिए बात करते हैं अगले फ्रेज़ के बारे में, जो कि है आई एम नॉट परफेक्ट एंड दैट्स ओके। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट होना सिर्फ एक भ्रम होता है जो हम सब बाहरी दुनिया में दिखाते रहते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं मुझे सब कुछ आता है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कुछ कमियाँ होती हैं, कुछ खूबियाँ भी होती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमें एक झूठा दिखावा नहीं करना है दुनिया के सामने कि हम बहुत परफेक्ट हैं, हमें सब कुछ आता है। बस हमें इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है कि हम परफेक्शन की तरफ और परफेक्ट लाइफ में बने और उसके लिए कोशिश करते रहें, खुद को बेहतर बनाते रहें। बट परफेक्ट होना नॉट पॉसिबल, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। और ख़ुद को क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना है कि मुझे ये नहीं आता, अब क्या करूँ, मुझे वो नहीं आता, कैसे होगा। तो खुद के साथ इतना हार्ड मत होइए, हर वक्त परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। हमें भगवान ने सीखने की शक्ति दी है, हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होंगे हमें, लेकिन हम एकदम से परफेक्ट बनने का दिखावा या कोशिश करेंगे तो इसमें हमारा खुद का ही नुकसान है। तो खुद को परफेक्ट दिखाना नहीं है, बल्कि परफेक्ट बनने के लिए हमें नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना है, सीखते रहना है। तो इस चीज़ को, इस फ्रेज़ को रोज़ाना अपनी लाइफ में रिपीट करिए, रोज़ खुद से कहिए कि आई एम नॉट परफेक्ट एंड दैट्स ओके, मैं परफेक्ट बन जाऊँगा। नेक्स्ट फ्रेज़ है आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स। तो आपने जो भी अचीवमेंट्स लाइफ में प्राप्त करी हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, बस आप उनको, उन पर ध्यान लगाइए कि ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स हैं जो आपने अब तक हासिल करी हैं। ऐसा खुद को डीवैल्यू नहीं करना है कि ये तो कोई भी कर सकता है, मैंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। हर कोई नहीं कर पाता है। आपके पास जो भी अचीवमेंट्स हैं वो आपकी अपनी हैं, खुद की मेहनत की हैं। तो उन अचीवमेंट्स को अपने माइंड में रिपीट करिए कि अगर आप वो कर सकते हैं तो आप आगे भी बहुत सारी अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आप औरों से ज़्यादा कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो खुद को डीवैल्यू नहीं करना है कि ये मुझसे नहीं होगा, ये तो कोई भी कर सकता था, मैंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप एकांत में बैठकर शांति से एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और अपनी जो भी अचीवमेंट्स अब तक की हैं उनको लिखकर और ख़ुद को याद दिलाइए कि अब तक आपने क्या क्या अचीवमेंट्स पाई हैं लाइफ में। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बूस्ट होगा और आपको आगे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। तो इन तीन फ्रेजेस को आप अपने डेली लाइफ में, जो भी आप काम शुरू करना चाहते हैं उसमें अपने मन में रिपीट करते रहिए और ख़ुद को मतलब और बेहतर बनने के लिए प्रेरित कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।